हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्रिएटिव पुरानी फ्रॉक में से डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रॉक ली हुई है, ये 10 ईयर ओल्ड बेबी की है जिसका ये टॉप पैटर्न में है। ये पूरी फ्रॉक पैटर्न टाइप है, टॉप है। सो फ्रेंड्स, इसी में से हम हमारा ब्लाउज़ बनाएंगे और ब्लाउज़ पूरा सूटेबल होगा, अच्छे से होगा, क्योंकि आप एक कपड़ा जानते हैं स्ट्रेचेबल होता है, ये देखिए स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक्चुअली आप जानते हैं जो बच्चों के जो चोली के पार्ट की लंबाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। समथिंग हमें जो लंबाई चाहिए हमारे ब्लाउज के लिए वो 14.5 चाहिए और इसकी लंबाई इतनी है। तो सबसे पहले तो हम इसे अलग कर लेते हैं और जो हमारा 1.5 इंच की लंबाई जो हमारी कम होगी, अगर हमारी लंबाई 13 भी है तो हम 1.5 इंच का बेल्ट टाइप लगाएंगे जिससे क्रिएटिव ब्लाउज़ बनेगा। और हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ एज इट इज़ इसे ऐसा कैसा रहने देना है, हमें सिर्फ इसे अलग करना है। उसमें हम एक बेल्ट लगाएंगे, हम हुकाई कहीं भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम डोरी की हेल्प से इसे अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसे और इसे अलग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे इसकी 13 लंबाई है। अब मैं 1.5 इंच का, ये देखिए मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है। अब मैं इस कपड़े में से एक डोरी बनानी है मैंने उरेप पट्टी कट कर। अगर आपने उरेप पट्टी कट करना नहीं आती है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने उरेप पट्टी कट करना बताया हुआ है। हमें उरेप पट्टी कट करना है और उसके लिए एक डोरी बनाना है। और फ्रेंड्स, हमें डोरी इतनी बड़ी बनाना है कि वो हमारी पूरी कमर में आ जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक पट्टी कट करेंगे जिसमें हम डोरी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ब्लू से मिलता जुलता कपड़ा लिया हुआ है, मैं इसी में से पट्टी कट करूँगी। फ्रेंड्स, हम पट्टी, हम ये जो हमारा ब्लाउज का एरिया है इसके चारों तरफ लगाएंगे और उस पट्टी की लेंथ हम ज़्यादा रखेंगे। अगर आप इसमें अस्तर डालना चाहते हैं तो आप लेंथ कम रखिए और अगर आप इसे ही फोल्ड करना चाहते हैं तो आप लेंथ ज़्यादा रखिए। संथिंग हमें 1.5 इंच का इस तरीके का बेल्ट बनाएंगे और हम इसके इधर मशीन लगाएंगे ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें और उससे हमारा ब्लाउज अच्छे से फिटिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं पहले मैंने इसका नाप कर लिया है। मेरी इसमें जो कमर है वेस्ट वो 32 आ रही है, तो मैं उस हिसाब से इसे इस तरीके से करके मैं 16 का निकाल लूँगी बेल्ट। तो फ्रेंड्स, हम बेल्ट कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना लिया है, अब मैं इस बेल्ट को कट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने समथिंग 3 इंच लिया हुआ है, ये मेरे दोनों तरफ ब्लाउज में अटैच हो जाएगा और मैं इसमें अस्तर के लिए यही कपड़ा ले लूँगी। फ्रेंड्स, हम ऐसी एक और पट्टी काट लेंगे ताकि हमें अस्तर के लिए दूसरा कपड़ा यूज़ ना करना पड़े और हमें इसे एज इट इज़ लगा दीजिए। सो इसे कैसे लगाना है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने हमारा ये चोली वाला पार्ट ले लिया है, हम इसे सबसे पहले इसे सीधी तरफ रखेंगे। सबसे पहले ये मैंने सीधी तरफ इस तरीके से रख कर हमें मशीन लगाना है। ये देखिए हमने इस तरीके से रख रखा है, हमें इसके इस तरफ मशीन लगाना है। पूरे में हम चारों ओर मशीन लगाएंगे। देखिए हमें यहाँ इस तरीके से मशीन लगाना है, ये पूरे राउंड में हम मशीन लगाएंगे। उसके बाद मशीन लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से निकालेंगे, हमारी यहाँ इस वाला एरिया में मशीन लग चुकी होगी और फिर हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर हम एक यहाँ फिटिंग मशीन लगा देंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज बनकर कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। सो मैं सिलाई कर आती हूँ और हम एक डोरी बना लेते हैं और उसे कैसे अटैच करना है मैं आपको दिखाऊंगी। सो हम बेल्ट लगा कर आते हैं और डोरी बना कर आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट भी लगा लिया है और डोरी भी बना ली है। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हमें डोरी बड़ी बनानी है क्योंकि हम इसे डोरी को अंदर डालकर, ये देखिए हमें इधर मशीन नहीं लगानी है, इधर वाला एरिया मैंने खुला ही रखा है क्योंकि इसमें मैं डोरी डालूंगी और ये जो एरिया है ये हमें खुला रखना है, पैक नहीं करना है, क्योंकि इस तरफ हम खुला रखेंगे हमारी दोनों डोरियाँ आएगी और गांठ लगाकर हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी ये भी बन गई है, अब मैं इसमें आपको डोरी डालकर दिखाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें डोरी डाल ली है। अब आसानी से आप अपने अनुसार देखिए फिटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से गांठ लगा सकते हैं। सो फ्रॉक से एक क्रिएटिव ब्लाउज़ बन गया और ये फुल स्ट्रेचेबल है। ये देखिए 10 साल की बेबी का ड्रेस है, ये फुल स्ट्रेचेबल है जो अच्छे से हमें आ जाएगा और इसमें हुक लगाने की कोई झंझट नहीं है और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए रेडी वेयर है।
सो फ्रेंड्स, आप भी अगर आपके पास कोई ऐसा ओल्ड मटेरियल है तो उसे ज़रूर यूज़ कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँचे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को ज़रूर टच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।